अच्छा ये वो नाम है भाई तारीफ है सारियत तबरी अपनी आंख से देखा है कि मेरा सगा बच्चा इलाहाबाद की सरजमीन वो है कमरू भाई का वहां है दियोर सौर लाश को उस वक्त उठाया जबकि वह बच्चा बाप बेटा बहन भाग रहा लेकर आए थे तो सूरज भाई अब आइए एक सलाम से हमारा जो संदेश है वो ये है कि हमने इसका नाम रखा एक शाम शहीदों के नाम यानी वतन के लिए जो भी शहीद हुआ है उसके लिए हमारी एनजीओ यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी और फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी की जानिब से ये मुशायरे का आयोजन हुआ है। हम ये चाहते हैं कि समय समय पे हमारे देश से लोग जो शहीद हुए हैं उनको हमेशा याद किया जाए। उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रोग्राम हमारी एनजीओ और फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये है हमारा मकसद कि हम शहीदों को समय समय पे याद करें, हम जो वतन पे मिटने वाले हैं उनको कभी फरामोश ना करें, उनको हमेशा याद करें। इसीलिए मैंने इसमें एक शेर कहा है कि सरफरोशाने वतन को याद करने के लिए एक गज़ल की शाम इनके नाम होनी चाहिए। ये शेर मैंने खुद कहा, वो इसलिए कहा कि हम अपने वतन पे शहीद होने वालों को आज हम इस आज़ादी में अपनी सांस ले रहे हैं उसकी वजह हम नहीं है बल्कि उन्होंने जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए शहादत दी है, जिनके वजह से हम आज आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, हमें उनको याद करना चाहिए। इसलिए इसका नाम मैंने रखा एक शाम शहीदों के नाम, शहीद वतन के नाम। कहाँ कहाँ शायर आए हैं? देखिए ये ताजवर सुल्ताना बहुत सारे लखनऊ बिजनौर उन्नाव इलाहाबाद और दिल्ली से ये सारे शोराय कराम आए हैं। उसके अलावा हमने जो यहाँ पर उर्दू अदब में और जो लोगों ने काम किया है जैसे तक्षकेश्वरनाथ महंत को भी हम अवार्ड दे रहे हैं, उन्होंने भी सांप्रदायिक स्वाद के लिए काम किया है। हम पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दे रहे हैं, हम उर्दू अदब और हिंदी साहित्य के लिए भी अवार्ड दे रहे हैं। वो अवार्ड की एक लिस्ट है जो हमने अंदर लगा रखी है। तो एक पार्ट ये है कि मुशायरा है, दूसरा पार्ट ये है कि हम उनको अवार्ड कर रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य उर्दू साहित्य और समाज सेवा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया है, उनके लिए हमने अवार्ड का आयोजन किया। मैं सैयद शफकत अब्बास पाशा और ये मेरा बेटा जिसने सूरज भाई आपकी टीम समन पहले चवन जब